तो योगी आदित्यनाथ कुंभ की सुरक्षा के लिए भी गंभीर कदम उठा रहे हैं और इस बार तो साधु संत भी महाकुंभ के लिए हाइपर एक्टिव है। साधु संतों की चिंता सुरक्षा है और योगी उसके लिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक जटायु की तैनाती कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इस बार महाकुंभ के आयोजन में कुछ बड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं। बदलाव क्या, सुनिए जरा। अब से महाकुंभ के दौरान शाही स्नान नहीं होगा, अब होगा राजसी स्नान, नाम बदल दिया गया। इसके अलावा महाकुंभ में अखाड़ों की पेशवाई नहीं होगी, छावनी प्रवेश होगा, पेशवाई शब्द को हटा दिया गया। ये दो हमारा प्रस्ताव, हमने प्रस्ताव रखा हुआ है और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद दीपावली से पहले ये प्रस्ताव शासन को भेज देगी और बहुत जल्दी से ये नाम बदल दिए जाएंगे। अब ये नाम बदलने के लिए खाली ये यूपी नहीं है, इसके लिए ये नाम हरिद्वार में भी जाएगा, उज्जैन में भी जाएंगे और ये नाम जो हमारे हैं ये महाराष्ट्र में भी जाएंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नाम तय किए और जल्दी ही सीएम योगी खुद इन दोनों नए नामों का औपचारिक ऐलान करेंगे। और इस बार के महाकुंभ में फर्जी बाबाओं को भी मुक्त करने का महाकुंभ होगा। फर्जी बाबाओं की एंट्री पूरी तरीके से बैन होगी। फर्जी बाबाओं को लेकर संत काफी गुस्से में भी हैं। संतों को गुस्सा देखकर लग रहा है कि जैसे वो चाहते हैं कि महाकुंभ के एंट्री गेट पर फर्जी बाबा स्कैनर लगाया जाए, तो हमने क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल करते हुए एक स्कैनर बनाया। संतों का बस रहे तो फर्जी बाबा पकड़ने वाला स्कैनर कुछ ऐसा ही होगा जो आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें जैसे ही असली संत आएंगे तो ग्रीन सिग्नल होगा, उसे संत को जाने दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई फर्जी, कोई पाखंडी बाबा स्कैनर से गुजरेगा तो खतरे का सिग्नल देते हुए ये स्कैनर उसकी एंट्री ही नहीं होने देगा। और हमें लगता है कि अगर संतों ने कोई फर्जी बाबा स्कैनर बनाया तो वो कुछ ऐसे ही काम करेगा। हालांकि कुंभ में फर्जी बाबाओं की एंट्री रोकने के लिए कई और तरीके भी हैं जो लाए जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि स्कैनिंग का मापदंड एक होगा। संत इस मुद्दे को लेकर लगभग रोज बैठकें कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ से मदद की उम्मीद भी कर रहे हैं। दो महीने बाद प्रयागराज में हिंदू धर्म का महासंगम होने वाला है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में संतों के अखाड़े हिंदू समाज को अपने ज्ञान से प्रकाशित करेंगे। लेकिन इस बार संत उन लोगों को अपने बीच नहीं चाहते हैं जो संत के चोले में पाखंड का नाच दिखाते हैं। फर्जी बाबाओं की एंट्री को संत समाज पूरी तरह से प्रतिबंधित देखना चाहता है। वो किसी भी फर्जी बाबा को हिंदू संतों को बदनाम करते हुए नहीं देखना चाहता। जितने भी ऐसे लोग हैं जो फर्जी लोग हैं उनको जो है मेला क्षेत्र में जगाने दी जाए और अपना जहां उनकी दुकानें चलती वहां दुकान चलाए, मेला क्षेत्र में वहीं आएगा जो असल में संत है, जो असल में आध्यात्मिक है। अखाड़ा परिषद के विचार इस बार फर्जी बाबाओं को लेकर बिल्कुल क्लियर है, किसी भी कीमत पर उनको कुंभ में एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे माना जाएगा कि कोई संत फर्जी है या नहीं, तो इसके लिए कई बार अखाड़ा परिषद ने मापदंड बताए भी। जैसे फर्जी संत लोगों को पाखंड के जाल में फंसाते हैं, फर्जी संत खुद को भगवान की तरह पेश करते हैं, फर्जी संत जादूगर वाली ट्रिक्स दिखाकर प्रभावित करते हैं, ये फर्जी संत लोगों से पैसे और संपत्ति जबरन दान में मांगते हैं, ये फर्जी संत लोगों को झूठ और भ्रम में डालकर रखते हैं, ये फर्जी संत भगवान के बजाय खुद की पूजा करने को कहते हैं, ये सारे फर्जी बाबा कई तरह के आडंबर रचते हैं, फर्जी संत लोगों से परिवार छुड़वाकर खुद की सेवा करवाते हैं। इसके अलावा अखाड़ा परिषद जल्दी ही फर्जी संतों की एक लिस्ट भी जारी करेगा। इन फर्जी संतों को महाकुंभ में नहीं आने दिया जाएगा। यही नहीं, अखाड़ों की अनुमति जिनके पास होगी सिर्फ उन्हें ही महाकुंभ में जगह दी जाएगी। जो गैर जिम्मेदारी तरीके से अपने देश को और अपने साधुता को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके और ऐसे फर्जी बाबाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी षड्यंत्रकारी तत्व हैं वो देश बदल करके अखाड़ा से विरत ऐसे लोग कुंभ में प्रविष्ट हो सकते हैं
जिससे कुंभ की जो मर्यादा संतों की मर्यादा नष्ट हो सकती है। संतों का कहना है कि फर्जी बाबा अपने आडंबरों और पाखंड के प्रदर्शन से सनातन का अपमान कर रहे हैं, ऐसे में महाकुंभ जैसे आयोजन में उनका आना श्रद्धालुओं से छल होगा, इसीलिए अखाड़ा परिषद किसी भी कीमत पर फर्जी बाबाओं को महाकुंभ से दूर रखना चाहता है। प्रयागराज से गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।